अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुसन दे पैवे सावल नेटवर्क। मैं हाँ तुहाडा मेज़बान मुहम्मद अबू बकर कादरी। मैं आज नवी स्टोरी दे नाल तुहाडी खिदमत च हाजिर हाँ। मैं आज महंगाई दे मौजूद उत्ते तुहाडे नाल डिस्कस करे सां, तुहाडे नाल हाल हवीला करे सां। मैं आज बाज़ार दा विजिट कीता है, बल्कि रोज़ाना दी बुनियाद ते बाज़ारां दा विजिट करेंदे हैं। ते चूंकि साकूं जिहड़ी राय आवाम देंदी है या जिहड़े हाल अहवाल आवाम देंदी है, असां उहा गाल आला अफसरान तक पहुँचावना अपना फर्ज समझेंदे हैं। चूंकि असां कोशिश करेंदे हैं कि जितने भी साडे दोस्त अहबाब साकूं हाल अहवाल करेंदे हैं, जिहड़े अफसरां तक नहीं पहुँच सकते वह साकू दसेंदे हैं, असां उन्हां दी गाल अफसरां तक पहुँचाएंदे हैं। तो मेरा अज दा मौजू जिहड़ा ओह सी महंगाई को कंट्रोल किवें कीता वञ सकदा है, और मेरी नज़र दे विच प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कितना कम करेंदे पैन, क्या कम करेंदे पैन या नहीं करेंदे। मैं अपनी जिहड़ी गाल है जिहड़ी मैं को दसी गई है, मैं वो आवाम दी जिहड़ी गाल है अफसरान तक पहुँचावना जरूरी समझेंदा। असां बाज़ारां दे विच वैंदे हैं, उत्थों समान दी खरीदो फरोख्त करेंदे हैं, ते उन्हां कोल अगर असां मुतालबा करेंदे हैं कि रेट लिस्ट दिखाई वञे, तो उन्होंने जिहड़ा अगू जवाब होंदा है वह आखदे जी असां रेट लिस्ट के उत्ते अशियाए खुर्दनोश नहीं फरोख्त कर सकते, चूंकि साकूं जिहड़ी बचत है वह नहीं थींदी। तो इन उत्ते कैं अमल दरामद करावना है, इन जिम्मेदारी कैं दे उत्ते असां इन मौजू ते जरूर तुहां नाल गाल करे सूं। मेरी ज़िली इंतजामिया को रिक्वेस्ट है कि खुदा रा भरपूर कोशिश की वजे कि आवाम को ज़्यादा तो ज़्यादा रिलीफ दिता वजे। पहले भी महंगाई का तूफान है, हर तरफ महंगाई है, हर शय महंगी है। तो बाज़ारां दे विच अगर सब्जियां दे रेट डिठे वजन, तो रेट लिस्ट कोल तकरीबन 50% रेट लिस्ट कोल उन्हां दे रेट ज़्यादा होंदे। अगर असां इवें वाली कार गोश्त वगैरह खींदे हैं, मुर्गी का गोश्त है पिया, वड्डा गोश्त है पिया, असा उंदा पता करेंदे हैं, तो उंदे रेट डबल होंदे। हालांकि कई ऐसे दुकानदार हैं पे उन्हें अपनी दुकाना दे उत्ते रेट लिस्ट लाई हुई है, लेकिन उंदे ते अमल दरामद नहीं करेंदे। हुण गरीब बंदा अगर समान घिनण वेंदा है, तो वह आखदा जी मैं को फर्ज किया जी मैं अज आलू घिनने जी, रमज़ान शरीफ है ना जी, तो रमज़ान शरीफ ज़्यादा अफतार के टाइम उत्ते पकौड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, समोसों का इस्तकबाल। पकौड़े समोसे आलूओं तो बगैर तो नहीं बनते ना। मैं एक तो छोटी जी मिसाल आलूआं की देवा कि आखा वेंदे जी साकू जड़ा ना आलू दो जी, आलू का रेट अगर डिठा वजे रेट लिस्ट के उत्ते फर्ज किया 50 रुपए किलो है, तो दुकान वाला जोड़ा वो सी 60 या 65 रुपए दे सी, और वह 60-65 तो शहर के विच हैं। अगर इवें वाली घर देही इलाकों लगे वनूँ उतों अगर पुछूँ तो वह रेट डबल थी सी वेंदा, मतलब 80 ते वैसी 90 ते वैसी। असें यह भी सुना है कि देही इलाकों के 100 रुपए भी आलू विकता पिए, जोड़ा बाज़ार के रेट लिस्ट के मुताबिक अगर देवना चाहवन तो 50 रुपए किलो है पिया। तो इंदे उत्ते जड़ा ना इन रेट लिस्ट उत्ते अमल दरामद करवावना होंदे मजिस्ट्रेट, जितने भी मजिस्ट्रेट साहबान हैं, अगर असं उन्हां कोल पुछदे हैं कि तुहाडी क्या कारकर्दगी है, तुहाडा काम है कि तुसां प्राइस को कंट्रोल करो, रेट लिस्ट कोल ज़्यादा अगर वसूल किया वेंदा पे तो तुसां जुर्माने करो। बट एक जेले अगर असां शिकायत करेंदे हैं, तो वह आखदे हैं जी तुहाडी शिकायत बिल्कुल बजा है पई, तुसां अपनी शिकायत कर ली थी, असां वेंदे हैं वंज के ते इंदे उत्ते अमल दरामद करवाएँ। एक अद्धे बंदे दे कोल जिहड़ा है, एक अद्धे बंदे दे उत्ते FIR दित्ती वेंदी है, या एक अद्धे बंदे दे उत्ते जुर्माना करके ते बाकियां को छोड़ दित्ता वेंदा, ते इह भी सरासर नाइंसाफी है। अगर असां मजिस्ट्रेट कोल पुछदे हैं कि तुहाडी जिम्मेदारी है कि तुसां हमां वक्त बाज़ार चैक करो ते प्राइस को कंट्रोल करन वास्ते तुसां टाइम दो, तो वह आखदे जी सारियां बहियां थोड़ियां ड्यूटियां हैं जो असां ये ड्यूटी करूँ। मसलन उन्हां दा आखण होंदा है कि सारी पहली ड्यूटी जी असां अट्टा पॉइंट ते आसे जी, तो अट्टा पॉइंट तो अलहमदुल्ला हुण साडे इदारां दे जितने अफसरान या मुलाजमीन काम करेंदे पैन उन्हां दी जान छुट गई है, उत्थां कोई रश मश कोई नहीं, कोई काशे कोई नहीं। तो मजिस्ट्रेट को एक तो सारी रिक्वेस्ट है कि तुसां अपनी ड्यूटी कम अज़ कम रमज़ान शरीफ के 24 घंटे तो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दो।
साढ़े ज़िला बखर दे विच मुख्तलिफ बाज़ारां दे विच जितने भी खसूसन बखर शहर दे विच जितने भी मजिस्ट्रेट हैं पे हर जगह ते हर हलके दे विच एक या दो मजिस्ट्रेट बखर शहर दे दी तादाद ही कोई नहीं, चार पाँच ज़्यादा हैं पे, कम नहीं जी। इस दे बावजूद ही उन्हां कोल महंगाई कंट्रोल नहीं थी दी। क्या वजह है? या तो वह खुद मार्केट ही चाहते नहीं, या खुद चैक नहीं करेंदे, या चैक करेंदे तो वह सुनी अणसुनी कर लेंदे, उन्हां को गरीब का एहसास नहीं थींदा। एक तो मैं डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मुहम्मद अवान साहब को अपने चैनल की वसादत के नाल गुजारिश करे सा, अपील करे सा, अदब नाल अर्ज करे सा कि हजूर मेहरबानी फरमाओ, मुझे स्टेट साहबान को आखो एक्टिव थी वेन और बाजारों के विच इत्थां भी ते देही इलाकों के विच भी वन के ते रेट लिस्टां एक तो नुमाया जगह पर अवेजा होनी चाहिए, दूजा रेट लिस्ट के मुताबिक अमल दरामद कराया वे। सारे बखर दे एक मजिस्ट्रेट हैं पे अदनान जमील साहब महकूँ एक दफ़ा एक डिप्टी कमिश्नर साहब सबका तैनात है तो उन्हें एक गाल दसी कि मैं एक मजिस्ट्रेट की डिप्टी लाई कि वह वन के ते मंडिया के वन के ते कंट्रोल करन। खुरम शहजाद साहब डिप्टी कमिश्नर रहन सारे को साबिक डिप्टी कमिश्नर, उन्हें जड़ा ना एक मजिस्ट्रेट की डिप्टी लाई कि तुसा वन के, चूंकि जी शिकायत होंगी है ना, मसलन हूँ अस कें दुकान पर वेंदे हैं तो दुकानदार आद है कि मैकू ये जड़ा सौदा है मैकू रेट के मुताबिक दियो, रेट लिस्ट के मुताबिक दुकानदार नहीं देंदा, वो आदा जी मंडी का रेट हाई है लिहाजा मैं तो ना देंदा उस उत्ते। तो मंडी को कंट्रोल करने वास्ते खुरम शहजाद साहब ने एक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लाई, तो जी मैं उन्होंने को रिठे फर्क करेंदा अदनान जमील साहब जिन्हों का मैं तस्करा करेंदा पियाँ, उन्हें जड़ा ना उस टाइम बड़ा कवर किया। अगर मंडी के उत्ते इंतजामिया मंडी को कवर कर गिंदी है, आड़तियां नाल इंतजामिया अपने मामलात सैट कर गिंदी है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक रेहड़ी बान जितने भी हैं पे या दुकानदार हैं पे फ्रूटां दे फ्रूटां वाले दुकान हैं या सब्जियां वाली हैं, तो वो अगर असा चाहो कि रेट लिस्ट के मुताबिक देवन तो पहला जड़ा काम है मंडी के उत्ते आड़तियां के उत्ते कंट्रोल लाजमी है जी। तो दूजा जड़ा है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट वन दुकान पर चैक करें, हूँ गोश्त का रेट जड़ा है अगर वो जड़ा रेट लिस्ट के मुताबिक होंगे वो मिलता नहीं पिया, वो आदि जो सा पिछू ही नहीं मिला, तो उनका मकसद है भाई सारे जड़े प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने नहली है भाई भी तो अस कुछ नहीं आख सकते। तो इवें वाली कार गरीब को गरीब आवाम को अगर रिलीफ देना है तो मेरे ख्याल के मुताबिक रिलीफ इन सूरत मिला वैसी कि मुझे स्टेट अपने अपने हलकों के मौजूद होवन, दुकाना चैक करें, पेट्रोल पंप चैक करें। हाँ पेट्रोल पंप तो याद है कि पेट्रोल पंप हर पेट्रोल पंप का अपना रेट है पिया, तो कोशिश की वजे जितने सारे मजिस्ट्रेट साहबान हैं वो पेट्रोल पंप चैक करें। देही इलाकों के डबल रेट हैं पे, शहर की सूरत हाल तो वैसे ही बेहतर है भाई, लेकिन देही इलाकों की पोजिशन जी है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई। उतों के वसण वाले गरीब लोग बेचारे रोंदे पैन, और मज़े की गल है कि सारे मजिस्ट्रेट की जेडे हल्के की ड्यूटी लगती है उकू अपने हल्के की बस्ती का पता ही कौन नहीं आता, ऊ हल्के की आबादी का उन्हें को नहीं पता होता, ऊ हल्के की दुकाना का नहीं उन्हें को पता होता। मजिस्ट्रेट साहब थोड़ा जहाँ अगर नक्शा गिन गिने या उतों का रोज़ाना की बुनियाद पर पुछ के लगे वजन तो वह भी बड़ा एक आसान हल है कि दुकानदार तक पहुँच सकते हैं और इवी महंगाई कंट्रोल थी सकती है। इवें वाली कार अस हर इंतजामिया जेड़े भी अफसरान आते हैं अस उन्हें को आदर आते हैं। मैं अपनी मिसाल तो देव कि मैं उन्हें को आदर आना कि आओ जुलो मैं करेंदा खरीदारी तो आपको मैं दस ऐसा कि मैं रेट लिस्ट के मुताबिक सौदा घिदा है या नहीं, मैं को ना मिल सी मैं तो दस रेसा फुलां जा तू मैं इस रेट के मुताबिक सौदा घिदा है, फुलां चीज़ मैं घिदी है, सब्जी घिदी है, फ्रूट घिदेन या मैं गोश्त घिदा है, तो उनका जड़ा है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट। इवें वाली कार जिमें रस्ते दे विच असा बाजार दे विच वेंदे हैं तो काफ़ी सारे लोग आते हैं खरीदारी की वे आते हैं, तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जड़ा है जो अफसर है वो खुद पूछ सकते हैं उन्होंने रोक के भाई तुसा जो ये समान घिदे कितने इन रेट क्या है केड़े दुकान वाले कोल खिदा वे, तो वत रेट के मुताबिक डिठा वे अगर रेट लिस्ट के मुताबिक कोई सौदा मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो वत उनके खिलाफ कार्रवाई की वे। तो खुदारा मैं जितने भी मजिस्ट्रेट सारे ई प्रोग्राम को लेते पैन या डिप्टी कमिश्नर साहब या उन्होंने मातहत जड़े अफसरान हैं पे वो मेरी वीडियो को लेते पैन तो उन्होंने को रिक्वेस्ट है कि महंगाई को कंट्रोल करने वास्ते फॉल किया वे मजिस्ट्रेट साहबान को और वो वन चेक करें। उम्मीद है सारिया ये सारे ये मसायल गरीब लोगों के ये मसायल जड़े हैं तो आपको सारे चैनल की वसादत नाल समझ आ गए हो सन, तो असं तुहारे कोल तवक्को रखते हैं
असां ज़िले इंतज़ामिया बखर को तवक्को रखते हैं कि वह चारों तहसीलों के आवाम को ज़्यादा तो ज़्यादा रिलीफ फराहम कराने ताखीर ना करे सन। तो गरीब लोगों की इंतज़ामिया दुआ गिने महंगाई का दौर है, रेट लिस्ट के मुताबिक अगर सौदा दिता वे समान खरीदो फरोख्त की वे तो मेरे ख्याल के मुताबिक कुछ रिलीफ ई रेट लिस्ट के मुताबिक सौदा मिलन ते ही मिल सकता है। तो उम्मीद है जरूर तुसा तावन फरमैसो, मुझे स्टेट साहबान जरूर फील्ड नज़र आसन, तो डीसी साहब भी खुद भी चैकिंग करें बजाय इन्दे कि वो दफ्तर बह के कंट्रोल करें प्राइस कंट्रोल। मुझे स्टेट की कारकर्दगी को चैक करने वास्ते डिप्टी कमिश्नर साहब दफ्तर दे खुद भी बाहरों निकलन बह कम वास्ते असं उन्होंने को ले दें। असं उन्होंने मेहनत से असं डीसी साहब की जितनी भी मेहनत करें पेन सारे ज़िले वास्ते असं उन्होंने को खराज तहसीन पेश करें, लेकिन एक मेहरबानी फरमावन थोड़ी जी कारकर्दगी प्राइस कंट्रोल मुझे स्टेट की चैक की वजे। बहुत शुक्रिया सावल नेटवर्क की, उम्मीद है तो आपको वीडियो अच्छी लग सी। साढ़े चैनल को सबसक्राइब करे सो, साको अपनी कीमती राय के नाल जरूर आगाह करे सो। अपने मेज़बान मुहम्मद अबू बकर कादरी को दे सो इजाज़त, नवी वीडियो के नाल वत हाज़र थी सूँ। अल्लाह हाफिज़।